जनपद फिरोजाबाद में शहर के नगला भाऊ मीरा चौराहा स्थित यूनिटी हॉस्पिटल में निशुल्क जांच शिविर लगाया गया, जिसमें शहर के सुविख्यात चिकित्सकों द्वारा मुफ्त बीडीएम कैंप लगाया गया। वहीं कैंप में हड्डियों में कैल्शियम की कमी, दूरबीन द्वारा कंधे, घुटने तथा टखने का इलाज, गठिया के कारण हड्डियों तथा जोड़ों के टेढ़ेपन का और ऑरेटियोटमी द्वारा सफल इलाज, सभी प्रकार की फिजियोथेरेपी एवं एक्सरसाइज के बारे में भी बताया गया। दवा के साथ निःशुल्क शुगर जाँच, निःशुल्क बीपी जाँच भी हुई। इस बारे में शिविर में आए हुए चिकित्सक व यूनिटी मैनेजर ने जानकारी दी। वहीं शिविर में हॉस्पिटल मैनेजर मनिंद्र सिंह, फिजिशियन डॉक्टर वीके गुप्ता, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वरुण शर्मा, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एके शर्मा, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिता चौरसिया, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण जिंदल, डॉक्टर गरिमा जैन शामिल रहे। वहीं सहयोगियों में अजय पारसर, सुरेश यादव, वैभव जौहरी व हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद रहा। आज हमारे यहाँ एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मरीजों को कई रोगों के बारे में, जैसे हड्डी रोग हो गया, स्त्री रोग हो गया, दांतों के बारे में, आई स्पेशलिस्ट भी हैं हमारे यहाँ पर, और गायनेकोलॉजिस्ट, कई स्पेशलिस्ट अपनी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं हड्डी रोग से संबंधित मरीजों को देख रहा हूँ, जिसमें एक मशीन दिल्ली से आई गई है, जिसमें हड्डियों में बोन मिनरल डेंसिटी की जाँच होती है, जो हड्डियों में कमजोरी कमी की पता लगाती है। जैसे 40 साल के बाद हमारी हड्डियों का घनत्व कम होने लगता है, तो फिर उस मशीन के द्वारा पता लग जाता है कि हड्डियों का क्या स्टेटस है, तो उसी हिसाब से हम पेशेंट्स को उसके बारे में आगे का इलाज, फिजियोथेरेपी जो कि उपलब्ध है यहाँ पर, वो सारी सलाह देते हैं। यहाँ पर एक्सरे और कुछ जाँचें भी रियायती दरों पर किए जा रहे हैं। सर, इनका कुछ शुल्क भी लग रहा है अभी मरीज देखने का? नहीं, ये पूरा निःशुल्क है देखने का, बस वो जांच है उसके लिए एक 20 रुपये का उपाय। नमस्कार जी, मैं यूनिटी हॉस्पिटल मैनेजर बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे आज जांच का शिविर लगाया जा रहा है कैंप, जिसमें कि हमारे फिजिशियन डॉक्टर बैठ रहे हैं शहर के, और अपने ऑर्थो हड्डी वाले बैठ रहे हैं, गायनी वाली मैम हमारे डॉक्टर बैठ रहे हैं, और शल्य चिकित्सक भी बैठ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम दवाई वितरण फ्री कर रहे हैं मरीजों को, और इसमें और जो जांचें हैं उस पर भी रियायती दरों में छूट दे रहे हैं, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी इससे लाभ हो सके हमारे हॉस्पिटल से। जिसका कोई चार्ज भी लग रहा है जो आज डॉक्टर दिख रहे हैं? नहीं, इसमें वैसे डॉक्टर की जो फीस है कोई चार्ज नहीं, हम सिर्फ 20 रुपये हमारी रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, बाकी डॉक्टर की जो फीस है उसका कोई एक्स्ट्रा हम नहीं दे रहे हैं। लगभग कितनी संख्या में अभी मरीज आ चुके हैं यहाँ पे? अभी तक देखिए 400-500 के तकरीबन हो गए हैं, और हमारा सुबह 11 बजे शुरू हुआ था और शाम को 4-5 बजे तक कैंप रहेगा। TV1 इंडिया न्यूज के लिए देवशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में बेनीगंज कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरों को धर दबोचा। जी हम बात कर रहे हैं जनपद हरदोई की, जहां पर बेनीगंज कोतवाली प्रभारी शिवशंकर सिंह ने अपने फोर्स के साथ बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के बरगदिया पुल के पास से सौरभ राठौर उर्फ गोलू पुत्र रामध्यान निवासी नगर कोतवाली कछौना, नजीर हुसैन अंसारी पुत्र जाकिर हुसैन अंसारी वार्ड नंबर 3 नेपालगंज जिला प्रहरी कार्यालय नेपाल व शिवम मिश्रा पुत्र रमेश मिश्रा जमात अली कोतवाली रानीगंज निवासी जिला प्रतापगढ़ को पकड़ा गया है। वह इनके कब्जे से पिकअप डाला, सेंट्रो कार व 3 मोटरसाइकिल, स्प्लेंडर प्रो, पैशन प्रो, हांडा साइन बरामद हुई है, जिसके साथ साथ 4 मोबाइल व अन्य गाड़ियों के कागज भी मिले हुए हैं तथा 160 रुपए की नेपाली मुद्रा व 250 रुपए की भारतीय मुद्रा बरामद हुई। अभियुक्तों पर 115/19 धारा 329, 411, 419, 420, 467, 468, 471 में जेल भेज दिया गया। TV1 इंडिया न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट, हरदोई।